नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th जिसका टॉपिक का नाम है भारत और नेपाल के बीच के संबंध, रिलेशन क्या है हमारे और नेपाल के बीच में। यह पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस बार आपके क्लास 12th के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि नेपाल भारत का क्या है, एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और सदियों से चले आ रहा है। बहुत लंबे समय से हमारा और नेपाल का रिश्ता, आप कहिए कि रामायण के समय से ही है, सीता जी और राम जी का रिश्ता तो आपको पता ही है, तो ऐसे बहुत पहले से चलता आ रहा है। इसके अलावा भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों के कारण अपनी विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देखिए, हमारा और नेपाल का जो रिश्ता है वो बहुत सारी चीजों पर टिका हुआ है। क्या है? तो पहले तो ऐतिहासिक, जो इतिहास है हमारा, उसके साथ भी हमारा रिलेशन है नेपाल के साथ। संस्कृति हमारी बहुत मिलती है और हम आर्थिक संबंधों के कारण भी एक दूसरे के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेपाल में लंबे समय तक क्या था कि राजा और लोकतंत्र समर्थकों के जद्दोजहद चलती आ रही थी। मतलब वहां जो राजा हुआ करते थे और जो लोकतंत्र चाहते थे उनके बीच में लड़ाइयां चलती आ रही थी। वहां के राजनीति में कही कि पॉलिटिक्स में कह सकते हैं माओवादी भी बहुत प्रभावी है। यहाँ पे त्रिकोणीय मतलब बातें चल रही है, त्रिकोण, एक तरफ राजा, एक तरफ डेमोक्रेसी वाले लोग और एक तरफ माओवादी, ये तीनों मिलके बहुत लंबे संघर्ष किए हैं। तो नेपाल में जो राजा की सेना है वो लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच में, अभी मैंने बताया था क्या था, त्रिकोणीय संघर्ष का परिणाम रहा। बहुत त्रिकोणीय संघर्ष रहा यहाँ पे। और नेपाल के द्वारा वर्तमान में अपनाए गए संविधान के तहत, जो नेपाल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो संविधान तैयार किया गया, उसके तहत क्या हुआ, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को अक्टूबर 2015 में नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। अब नेपाल में क्या है, लोकतंत्र है। अगर अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो नेपाल में लोकतंत्र का सरकार है, यहाँ पे जनता के द्वारा सरकार चुनी जाती है। तो 2015 की बात है जब संविधान बनाया गया, उसके साथ खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया। आइए अब हम आप सभी को भारत और नेपाल के संबंध के बारे में समझा देते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में कैसा संबंध है। तो मधुर संबंध है, बहुत ही अच्छा संबंध है, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पे हमारे खटास भी है, मतलब नहीं भी बन रहा। तो अब आपको पता है कि पड़ोसी होने के बाद कुछ न कुछ संबंध बिगड़ते और बनते रहते हैं। और दोनों देशों के बीच ना जो संधि हुई है, इस संधि के तहत दोनों देशों के नागरिक, आम लोग, जो मतलब भारत के लोगों या नेपाल के लोगों, वो एक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आ सकते हैं। बड़ी गुड न्यूज है, मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपने नेपाल नहीं घूमा और आप सोच रहे हैं नेपाल घूमने का, तो आपको वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। आप अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके जाइए और पूरे नेपाल को घूम के आइए, काठमांडू, हिमालय, अलाना फलाना, एक्स वाई जेड, सभी चीजों को घूम सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार के पासपोर्ट और वीजा दिखाने की जरूरत नहीं होगी। खास संबंधों के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में अतीत व्यापार से संबंधित मनमुटाव पैदा हुए हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि पड़ोसी देश है, थोड़ा मोड़ा तो खट्टा मीठा चलता रहेगा। हम दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ है तो वो है व्यापार को लेके। अब क्या है ना, चीन के साथ नेपाल की काफी दोस्ती हो गई, जो भारत सरकार को पसंद नहीं है, भारत के लोगों को पसंद नहीं है। अक्सर अपनी अप्रसन्नता जताया है, किसने, भारत ने, चीन को लेकर जो इनकी दोस्ती है उस पर भारत ने अपना अप्रसन्नता जताया, मतलब वो खुश नहीं है इस चीज से। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम ही नहीं उठाता, जो भारत के खिलाफ लोग हैं नेपाल में उनके खिलाफ ये कदम नहीं उठा रहा है, मतलब उन्हें अपने यहाँ रहने दे रहा है, शरण दे रहा है। अभी मैंने आपको कुछ पहले वीडियोज में बताया था कि भूटान कैसे गोरिल्लों को और विद्रोहियों को अपने यहाँ से खदेड़ दिया था, लेकिन नेपाल इस तरह के कदम को नहीं उठा रहा, इससे भी भारत जो है उससे नाखुश है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं जिसके कारण भारत और नेपाल के बीच में खटास चल रही है। बहरहाल अभी मैं आप सभी को भारत और नेपाल के संबंध के बारे में बता देता हूँ जो बहुत ही मजबूत है। अभी के समय में अगर देखा जाए तो ये संबंध एकदम मजबूत है, शांतिपूर्ण है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। इसके अलावा विभेदों के बावजूद, मतलब इतने अशांति होने के बावजूद भी दोनों देश व्यापार, वैज्ञानिक सहयोग, प्राकृतिक संसाधन का साझा, बिजली उत्पादन और जल प्रबंधन, ग्रिड मसले पर एक साथ काम कर रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो नेपाल में और भारत के बीच व्यापार के रूप से चल रहा है, जैसे वैज्ञानिक सहयोग हो गया, प्राकृतिक संसाधन का साझा उपयोग हो गया,
बिजली उत्पादन करने की बात हो गई, पानी के ऊपर बात हो गई, तो ये सारी चीजों के ऊपर भारत और नेपाल एक साथ काम कर रहे हैं। नेपाल में लोकतंत्र की बहाली से दोनों देश के संबंध और मजबूत हुए हैं। जब दोनों देशों के बीच लोकतंत्र आ गया तो संबंध क्या हो गए, मजबूत हो गए। दोनों भारत और नेपाल के संबंध बहुत मजबूत हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने एक टॉपिक और जोड़ा है जिसका नाम है साफ्टा। अब साफ्टा क्यों जोड़ा है, पहले तो साफ्टा के बारे में जान लीजिए। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो लागू हुआ था 2006 में। अब जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क देशों ने ऐतिहासिक दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार सौदा साफ्टा समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया, जो 1 जनवरी 2006 से प्रभावी है। अब देखिए क्या हुआ, साफ्टा समझौता के तहत ये हुआ कि अब नेपाल और भारत के अंदर मुक्त व्यापार समझौता हो गया है। दोनों एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं। इनका जो कस्टम ड्यूटी है, जो बॉर्डर पर लगने वाले टैक्स है, वो बहुत कम हो गए। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका प्रमुख थे, इन सभी के साथ, पाकिस्तान को छोड़ अगर दिया जाए तो बाकी सभी देशों के साथ अभी भारत का संबंध जो है वो मधुर बना हुआ है, मजबूत है, अच्छे संबंध है हमारे। एक पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं है, उसके भी बहुत सारे रीजन है। जो पहले के वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान जो है आतंकवादी संगठनों का सरगना है, वो अपने यहाँ सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी पालता है, और आतंकवादी न भारत के लिए अच्छा है, न नेपाल के लिए अच्छा है, न भूटान के लिए अच्छा, अर्थात विश्व के किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए भारत और पाकिस्तान का संबंध बढ़िया नहीं है। लेकिन फिलहाल जितने भी इसमें और देश है हमारे पड़ोसी, उन सभी के साथ भारत का संबंध बहुत ही अच्छा है। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 का भारत और नेपाल के संबंध के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आशा करता हूं कि आपको भी यह चीजें, जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा